आप बड़े अच्छे लगते हैं सीजन 2 सीरियल देख रहे होंगे तो आप अभिनेत्री दिशा परमार को तो जानते ही होंगे, जो इस सीरियल में प्रिया का किरदार निभाती नजर आ रही हैं, जो बहुत ही सीधी सादी लड़की का किरदार है जिसे बखूबी निभाकर आज इतनी मशहूर हो गई कि आज इनके साथ हर कोई काम करने के लिए तरस रहा है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जितने भी सितारे काम करने को तरस रहे हैं इनके साथ, उनमें से कई सितारे ऐसे हैं जिन्हें इनके साथ काम करने का मौका मिला था मगर उन्होंने इनके साथ उस समय काम करने से मना कर दिया। मगर आज वो सभी सितारे इनके साथ काम करने के लिए तरस रहे हैं और आज के इस वीडियो में हम आपको उन्हीं टीवी सितारों से रूबरू करवाएंगे जिन्होंने कभी किया था इनके साथ काम करने से मना मगर आज वो दिशा परमार के साथ काम करने के लिए तरस रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि कौन से हैं वो सितारे। नंबर 1, विशाल सिंह। इस लिस्ट में पहला नाम शामिल है अभिनेता विशाल सिंह का, जिन्हें आप साथ निभाना साथिया सीरियल में जिगर मोदी के किरदार में देख चुके होंगे, जिन्हें दिशा परमार के साथ प्यार का दर्द है मीठा मीठा प्यारा प्यारा सीरियल में काम करने का मौका मिला था मगर इन्होंने उस समय दिशा परमार जैसी नई अभिनेत्री के साथ काम करने से मना कर दिया मगर आज वो काफी ज्यादा सक्सेसफुल हो गई है तो आज ये उनके साथ काम करने के लिए तरस रहे हैं ताकि ये भी उनके साथ काम करके फेमस हो जाए मगर इन्हें उनके साथ काम करने का मौका नहीं मिल रहा इसलिए सिर्फ एक बार काम करने के लिए उनके साथ तरस रहे हैं। नंबर 2, रश्मि देसाई। टीवी की मशहूर अभिनेत्री रश्मि देसाई को दिशा परमार के साथ बड़े अच्छे लगते हैं। सीजन 2 के अंदर ही उनके दोस्त का किरदार निभाने का ऑफर दिया गया था मगर इन्होंने अपने से कम उम्र की अभिनेत्री के दोस्त और सपोर्टिंग रोल को करने से साफ मना कर दिया। उस समय तो इन्होंने बिना सोचे समझे मना कर दिया मगर आज ये अपने इस फैसले पर पछता रही हैं क्योंकि आज दिशा परमार के साथ काम करने वाला हर एक शख्स काफी ज्यादा सफल है और मशहूर हो रहा है इसलिए उनके साथ काम करने को तरस रही हैं और अपने फैसले को कोस रही हैं कि इन्होंने उनके साथ काम करने से मना क्यों कर दिया। नंबर 3, विवियन डिसेना। विवियन डिसेना का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है जिन्हें बड़े अच्छे लगते हैं सीजन 2 में दिशा परमार के साथ उनके अपोजिट काम करने के लिए कास्ट किया गया था मगर इन्होंने ऐसी अभिनेत्री के साथ काम करने से मना कर दिया जो काफी सालों बाद टीवी पर कमबैक करने वाली थी तो इन्हें लगा कि दिशा परमार ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे इसलिए उनके साथ काम करना इनके लिए वेस्ट होगा मगर आज वही दिशा परमार अपने इसी शो के साथ घर घर में मशहूर हो गई है जिसके बाद से ये अपने किए फैसले पर काफी पछता रहे हैं और अब उनके साथ काम करने को तरस भी रहे हैं। ये कई निर्माताओं के पास जाकर कई शोज में डिमांड कर चुके हैं उनके साथ काम करने के लिए मगर दिशा परमार अपने बिजी शेड्यूल की वजह से उनके साथ काम करने के लिए हर बार मना कर देती हैं। नंबर 4, शरद मल्होत्रा। इस लिस्ट की आखिरी कड़ी में नाम शामिल है अभिनेता शरद मल्होत्रा का। शरद मल्होत्रा को विदिशा परमार के साथ काम करने का ऑफर मिला था नागिन 5 सीरियल में मगर अभिनेता शरद मल्होत्रा ने दिशा परमार के साथ काम करने से मना कर दिया ये कहकर कि उनके साथ इनकी जोड़ी अच्छी नहीं लगेगी जिसके बाद दिशा परमार को शो से निकाल दिया गया मगर जिस दिशा परमार को इन्होंने अपने शो से निकाला था आज उसे दिशा के साथ ये काम करने को तरस रहे हैं। उनके साथ बस एक सीरियल में काम करके अपनी गलती को सुधारना चाहते हैं मगर वो अपने साथ इन्हें काम करने नहीं दे रही और इसलिए ये तरस रहे हैं उनके साथ काम करने के लिए। तो दोस्तों, आपको क्या कहना है इस बारे में, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी ही मसालेदार खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।